सो लेट स्टार्ट द वीडियो। यह कहानी एक विकलांग लड़की की है जिसको पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि तू कभी जमीन पर नहीं चल सकती, लेकिन उस लड़की ने डॉक्टर की बात को झूठा साबित करके अपने सपनों को पॉसिबल कर दिया। उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में इस लड़की को पोलियो हो गया था, वह विकलांग हो गई थी। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली थी कि तू कभी जमीन पर नहीं चल सकती, लेकिन विल्मा रुडोल्फ की माँ सकारात्मक सोच की थी। उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हो, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ालिका बन सकती हूँ? माँ ने कहा, इस बात पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेक निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार चोटिल हुई और दर्द सहन करती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लगातार कोशिश करती बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान प्राप्त की, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 वर्ष की अवस्था में उसे टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लिया, जहाँ से कोच एंड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि सर, मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ालिका बनना चाहती हूँ। कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इस इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की एवं आखिरकार उसने ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका से हुआ जिसका नाम जुत्ता था, जिसे अभी तक कोई हरा नहीं सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर पहला स्वर्ण अदा किया। दूसरी रेस 200 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने सामने जुत्ता ही थी, इसमें भी विल्मा ने जुत्ता को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक भी जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता से ही था। रिले रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के तीनों लोग रिले रेस के शुरुआती तीनों हिस्सों में दौड़े और आसानी से बेटन बन ली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उससे बेटन छूट गया, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुत्ता है तेजी से दौड़ती चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मिशन की तरफ तेजी से दौड़ी तथा जुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। एक विकलांग महिला जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि वह कभी चल नहीं पाएगी, वह लड़की विश्व की तेज दौड़ालिका बन गई और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों, जब एक विकलांग लड़की ये सब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी 2 पैर 2 हाथ हैं, हम भी जरूर कर सकते हैं। बस भगवान पर विश्वास और कड़ी मेहनत और पूरी लगन से करेंगे तो इस दुनिया में संभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।